नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की जो निवेशक ऊपरी स्तरों में निवेश किए होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान होंगे दोस्तों। इतने परेशान कि इस स्टॉक ने, अगर मैं आपसे चर्चा करूं मात्र एक साल की, तो इसने दोस्तों ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो अभी तक 37% से भी ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दे रखे हैं दोस्तों, ठीक। लेकिन पिछले कुछ समय से निचले स्तरों से एक काफी अच्छी आप कह सकते खरीदारी देखने को मिली। इस स्टॉक में निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, और इतना ही नहीं, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर बहुत शानदार टारगेट्स भी दिए हैं। लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि भाई क्या मंडे क्रैश होगा या फिर से गिरावट शुरू होगी? इसके दो तीन रीजन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये एक वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें बंधन बैंक लिमिटेड, ठीक है, बंधन बैंक लिमिटेड 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। लेकिन प्रॉब्लम ये 1.5% नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम है ये 250 के लेवल नीचे आकर के इसने दोस्तों क्लोजिंग दी है, और ये एक टेक्निकली बहुत वीक है दोस्तों, ठीक है। बीच में जो तेजी आई थी, अब तमाम पॉजिटिविटी, तमाम अच्छी चीजें स्टॉक में क्या प्राइसिंग हो चुकी है, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये स्टॉक इतना ज्यादा जिगजैग यानी उतार चढ़ाव वाला रहा है पिछले एक साल में। अगर आप देखेंगे, आप देखिए ये ऊपर फिर नीचे, ये ऊपर फिर, यहाँ थोड़ा समय बिताया इसने, फिर ये सीधा नीचे, फिर ये ऊपर, फिर से नीचे गिराया, फिर समय बिताया, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है। और अब जैसे अगर दोस्तों समय बिताता है तो फिर क्या वापस से वो टूट सकता है? क्योंकि देखिए इसका पैटर्न ऐसे ही रहा है। अगर आप देखिए समय बिताया फिर गिर गया, फिर ऊपर गया थोड़ा समय बिताया फिर गिर गया, फिर समय बिताया थोड़ा ऊपर गया फिर ये गिर गया, और फिर समय बिता के फिर गिरावट, तो ये चल ही रहा है। और अब इसके पास दोस्तों जो ये लेवल टूटा है, अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ना, ये वाले 200 के नीचे, ये कहीं भी जाके रुक सकता है दोस्तों। तो अब गिरावट की चीज ज्यादा हो चुकी है, और जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमेरिकी बाजार धराशायी हो चुके हैं दोस्तों, यानी मार्केट ऑलरेडी बहुत वीक रहेगा दोस्तों, यानी स्टॉक में दबाव रहेगा। कल का दिन ये हो सकता है दोस्तों कि शायद यहां से बाउंस बैक भी कर जाए, लेकिन उसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखते हैं। और यदि गिरावट जारी रहती है तो देखिए नियर टर्म तो सपोर्ट इस पर नो डाउट 230 के आसपास का है, अगर वो टूटता है तो वापस से आपको स्टॉक 210 के आसपास भी दिखा सकता है। लेकिन ये दोस्तों शॉर्ट टर्म की बात हो गई कि मंडे को जिस तरह चीजें होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है दोस्तों स्टॉक में। ऐसा क्यों? आप देखें ब्रोकरेज हाउस की जो मैं आपके साथ रिपोर्ट कह रहा हूं, आप देखें इधर जेम फाइनेंशियल साइटेड दैट बंधन बैंक्स मैनेजमेंट इन द लेटेस्ट एनालिस्ट मीटिंग हाईलाइट देयर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज गोइंग फॉरवर्ड। जेम फाइनेंशियल ने जो रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो बंधन बैंक की मैनेजमेंट है ना, उन्होंने जो अपनी लेटेस्ट एनालिस्ट मीटिंग की है उसमें कुछ चीजों का उन्होंने हाईलाइट किया है। क्या है? दे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज गोइंग फॉरवर्ड, जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है आने वाले समय में, वो क्या है? फर्स्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और ये बंधन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंधन बैंक को जो आप कह सकते इतना बड़ा झटका लगा है वो इसी कारण लगा है कि वो उस तरह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाया जितने अन्य बैंक किए। अपना कंसंट्रेशन उन्होंने स्मॉल और मीडियम कह सकते हैं बिजनेस की ओर रखा, और जो इनका मेन चंक ऑफ बिजनेस है ये वेस्ट बंगाल और असम से आया, तो जिसके कारण जो फ्लड आई असम में, फिर वहां पे चुनाव आए 2019 के आसपास से, जो प्रॉब्लम शुरू हुई, जो आप कह सकते हैं लोन में डिफॉल्ट आना शुरू हुआ, कोविड ने और हालत खराब की, उसके बाद से एक बैंक उभर ही नहीं पाया दोस्तों। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इस बैंक के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सेकंड है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपसे कहा था असम और बंगाल में ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रह गया, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारी कंट्री है वेस्ट बंगाल असम, वही कॉन्सेंट्रेट रहा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री गुजरात महाराष्ट्र, जो ये कह सकते हैं ग्रोथ इंजन स्टेट्स है हमारे देश के, उस तरफ ये नहीं आ पाया। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। फोकस ऑन ग्रैनुलर डिपॉजिट एंड रीवैम्पिंग इट्स आईटी डिजिटल कैपेबिलिटीज। दोस्तों ये आईटी और डिजिटल कैपेबिलिटीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे कल का वीडियो देखे होंगे जो मैंने डिटेल एनालिसिस का बनाया है एयू में,
उसमें साफ दर्शा रहा है कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो डिजिटाइजेशन में, जो डिजिटल कह सकते हैं फीस जो जनरेट करेंगे और जो कस्टमर को डिजिटल एक्सपीरियंस देने की जो उनकी पूरी कोशिश है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और आने वाले समय दोस्तों वही बैंक ज़्यादा चल पाएंगे जो डिजिटाइजेशन की प्रायोरिटीज को देखेंगे, ठीक है। आगे है ऑल्सो द बैंक प्लान्स टू ग्रो इन non-FI वर्टिकल्स। देखिए non-FI वर्टिकल्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस के जो जो फाइनेंस होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके। तो नॉन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अलावा कौन होते हैं जिनको आप कर्ज देते हो? हाउसिंग, कमर्शियल बैंकिंग, रियल एसेट्स, है ना, एट अ फास्टर पेस टू रिड्यूस शेयर ऑफ EEB ग्रुप लोन्स, ठीक है। तो ये बात चल रही है दोस्तों, जो कि देखिए अभी 26% है और इसे बढ़ा करके 2025 के अंत तक वो 40% कहने की बात कर रहे हैं। आगे ये लिखते हैं फर्दर द बैंक सीनियर मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स ईवी पोर्टफोलियोज ऑन द ट्रैक, कि भाई जो हम जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो आप कह सकते हैं ऑन ट्रैक है, विद वेस्ट बंगाल असम कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% ईवी बुक एज फर्स्ट ऑफ 23, जो कि दोस्तों पहले 60% थी, यानी अब धीरे धीरे कमी इसमें देखने को मिल रही है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर कम डाउन टू 40% बाई फाइनेंशियल 25 की एंड। तो देखिए ये तमाम चीजें जो हैं ये साफ साफ चीजें हैं, बंधन क्रेडिट कॉस्ट हैव बीन एलिवेटेड ऑन अकाउंट ऑफ हायर स्लिपेजेस फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर्ड बोर्ड एंड फ्लड इन असम। देखिए ये मैंने पहले भी कहा था, असम के बाद जो फ्लड आई असम में दोस्तों, जो पूरे स्टेट को पूरे के पूरे राज्य को हिला के रख दी, उस कारण जो स्लिपेजेस की मात्रा है, जो डिफॉल्टर्स की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण इन्हें आप कह सकते हैं रीस्ट्रक्चर करनी पड़ी अपनी बुक्स को, और वही प्रॉब्लम थी कि जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाई। और आगे है द मैनेज एक्सपेक्ट क्रेडिट कॉस्ट टू पीक इन थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 23। आप देखिए जो क्वार्टर थर्ड के नंबर्स आएंगे उस समय ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा के कि जो तमाम जो पीक है उस चीज का वो उस समय खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगी और स्टार्ट करेगा 1.8। लेकिन देखिए इसका अगर आप इंतजार करेंगे कि धीरे कम, यानी आप कह सकते हैं कि फिर चीजें ठीक होंगी, तब तक स्टॉक भाग जाएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर गिरावट होती है स्टॉक 200 से लेकर के 180 के बीच आपको मिल जाता है बंधन बैंक, एक बहुत शानदार लेवल है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे थे, मुझे लगता है ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो सॉल्व कर दी होगी इस इश्यूज को लेके, इस बैंक को जो डर है, इस बैंक को आने वाले समय जो चैलेंजेस है, जिस तरह से वो रीस्ट्रक्चर अपने पूरे बैंक की ग्रोथ को करने वाले हैं, जिस तरह ये एक्सपेंशन सिर्फ ईस्ट इंडिया में नहीं आप कहते पूरे वेस्ट इंडिया में भी करने की इनको करने की बात कह रहे हैं, प्लस जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा भी लोन देने की जो बात कर रहे हैं वो बहुत फायदेमंद होगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।